السلام عليكم يا سعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اج ہم इस टॉपिक पे बात करेंगे मैरिज प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे बहुत सारे हमारे दोस्त या बहने जो हैं वो परेशान होती हैं और इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, जिसमें कोई पढ़ाई नहीं है कोई वजीफ़ा नहीं है कोई वर्द नहीं है और ये मसला अक्सर करके इस वजह से भी होता है कि आपका जो सातवां घर हो उसमें अगर कोई स्टार ना हो तो वो भी समझो कि सोया पड़ा होता है यानी फर्स्ट में अगर स्टार्स बैठे हों और सातवें में नहीं हो तो इस तरह से होता है या अगर सातवें में कोई स्टार हो और फर्स्ट में नहीं हो तो वो भी रेस्ट में होता है जब ऐसी पोजीशन हो आपका शादी का खाना जो है वो रेस्ट पोजीशन में हो सुकून वाली हालत में हो तो उसे एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे उस मसले से निकला जा सके वैसे बहुत सारे तरीके कार हैं बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आपको एक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर जो है आपको बता सकता है जब वो नेटल चार्ट खोलता है तो वहाँ पे सितारों की कमज़ोरी स्टार्स की वीकनेस पावरफुल या ये एग्जालेसन एक्जा, ये सब चीज़ें देख के उनको मुख्तलफ किस्म के सदकत या रेमेडीज बताता है तो इसके लिए एक अमूमी तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को पता है के निकाह या शादी का जो खाना है वो सातवां खाना होता है सेवेंथ हाउस इज़ द मैरिज हाउस अब हमें मैरिज हाउस एक्टिव ही नहीं है किसी बंदे का या किसी लड़की का तो उसे हमें एक्टिव करना है और एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है हमें ऐसी चीज़ को ऐसे सदकात को लेना है जो सदकात अगर आप करें तो आपका जो सेवेंथ हाउस है वो एक्टिव हो जाए और जब वो सेवनथ हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा तो मैरिज में जो हार्डल्स हैं प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगी तो इसके लिए अगर हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं तो सेवेंथ हाउस का जो जो है वो लिब्रा है और लिब्रा का ताल्लुक खाना है, जोजियत शादी का खाना या मेरेज हाउस से है लिब्रा एक बादी बुरज है लिब्रा जो है एक बादी बुरज है और इसका स्टार जो है वो वनस है जहरा सारा इसका है शुक्र है मीज़ान इसे कहा जाता है और ये तुला राशि भी कहलाती है अगर ये वीक हो तो मेरेज प्रॉब्लम्स होती हैं मुतहरक नहीं है अब इसको हरकत में लाना है इसको एक्टिवेट करना है तो हमें ऐसे स्टार्स का इंतख्य करना पड़ेगा जिनको यहाँ पे एग्जालेशन होती है अगर हम बहुत सारे स्टार्स जो भी हैं उनको देखते हैं तो उनकी मख्तलफ़ घरों में एग्जालेसन होती है मख्तलफ़ घरों में शरफ़ होता है अगर हम इनकी शरफियत को इनकी ताकत को देखते हैं कि कहाँ पे ताकतवर है ज़्यादा पावरफुल है उस घर को घर के सदकात, उस स्टार के सदकात हम देते हैं तो इसके लिए हमें जब देखते हैं तो एक स्टार ऐसा है जिसकी एग्ज़ाशन जो है वो लिब्रा में होती है अब लिब्रा को देखते हैं एग्जालेशन को देखते हैं तो वहाँ पे हमें सेट्रन जो है सेट्रन की एग्ज़ाशन लिब्रा में होती है यानी अगर आप बुरज मीज़ान में शरफ़ को देखेंगे तो जहल सारे का शरफ़ जो है वो बुरज मीज़ान में होता है या ऐसे हम कहें कि तुला राशि में शनि को शरफ़ होता है या शनि का ताकत जो होती है वो अशी कैटेगरी में आ जाती है अगर तुला राशि में हो तो, तो हमें अब हमें शनि के जो हैं सदकात वो दिलाने पड़ेंगे एक्टिवेट एक्टिवेशन के लिए कहाँ राशि के लिए और उनके जो सदकात हैं वो क्या हैं जहल के सदकात क्या हैं जो अगर हम सदकात वो देते हैं तो उससे रास्ता खुल जाता है तो जुहैल का सदका पहले नंबर पर यह समझें कि ब्लैक कलर है ब्लैक कलर है और लिब्रा जो है विंड से ताल्लुक रखता है एयर से ताल को रखता है हवा से ताल्लुक रखता है बाद से ताल को रखता है तो हमें अब क्या करना है ऐसी मखलूक़ को खिलाना है जो हवाई हो जो उड़ती हो उड़ने वाले परंदे हों ऐसी मखलूक़ को हमें खिलाना है क्या खिलाना है वो चीज़ें जो शनि से ताल्लुक़ रखती हों जहल से ताल्लुक़ रखती हों सेटरन से ताल्लुक़ रखती हों अब वो कौन सी चीज़ें हैं अगर हम अशिया खुरदनोश पे गौर करते हैं तो उनमें हमें काले चने नज़र आते हैं काली दाल माश साबित, काली दाल माश साबित, जिसे दाल माश भी बोलते हैं उर्दू की दाल भी बोलते हैं ये साबित हो शिलके समेत हो टूटी हुई नहीं हो साबित हो ये हमें लेनी है और इसको लेके हमें अब हमें देखना है कि इसका मकदार क्या करना है तो सात अदद जो है वो लिब्रा का है और आठ अदद जो है वो शनि या जुहल का है या सेटन का है तो एट नंबर इज बिलोंग्स टू दी सेटन एंड सेवन नंबर बिलोंग्स टू लिब्रा सेवन प्लस एट इजिकॉल्ट सेवन प्लस एट इजिकॉल्ट जो है फ़िफ्टीन होता है अब हमें पंद्रह का अदद रखना है अपने पास यानि एक हज़ार पाँच सौ ग्राम यानि डेढ़ किलो कम से कम पंद्रह किलो डेढ़ सौ ग्राम कम से कम तो इसको हमें करना है और इससे मकदार को बढ़ाया भी जा सकता है जो जितना अमीर है दौलतमंद है उस लिहाज से इस सदकात को बढ़ा सकता है पंद्रह किलो या इससे भी ज़्यादा कर सकता है अब ये काली दाल माश साबित जो है ये उसको लेनी है हवाई परंदों को खिलानी है हवाई परंदे जो उड़ते हैं जैसे कवे हैं ये हैं कहीं भी जहाँ परंदे बैठे हों किसी बाग में किसी बागीचे में जहाँ पे परंदे बैठते हों दरख्त हों वहाँ पे आप इसको रखाएं और रोज़ाना रखें अबाउट फिफ्टी सिक्स डेज़ या इसको अबो जो है फोर्टी फोर डेज़ यानि चौंतालीस दिन जो है ये इसका आदद मुफरद आठ होता है तो इसको आप चौंतालीस दिन से ज़्यादा करेंगे फोर्टी फोर डेज़ से ऊपर अगर आप इस सदक़ात को करते हैं तो आपकी मैरिज में जो बंदश है जो दूरी है जो रुकावट है जो सुस्ती है वो टूट जाएगी और आपका सेवेंथ हाउस जो है वो एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह करने से ये आमलिन भी कर सकते हैं आम लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की भी सेवेंथ हाउस एक्टिव नहीं है सो गया है शादी की बातें चलती हैं ख़त्म हो जाती चलती हैं ख़त्म या होती ही नहीं है तो ये कभी कभी ये होता है कि सेवेंथ हाउस एक्टिव नहीं होता मैं आप लोगों को बग़ैर कुंडली दिखाए बता रहा हूँ कि उनमें वजह यही होती है और उनमें अगर देरी होती है तो उसकी देरी की वजह जो है वो शनि होता है और शनि जो है आपको पता है कि बार बार ट्राई करने करवाता है लेकिन उस ट्राई में सफलता नहीं मिलती कामयाबी नहीं मिलती सक्सेस नहीं मिलती अब इस को यानी आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली में चाहे वो आपकी तारीख डेट है या नहीं है लाजमन जो है वो शनि रुकावट डाल रहा है और उसको जो है आपका सेवेंथ हाउस स्लीपिंग कर रहा है सेवेंथ हाउस को जो है अवेकनिंग करवानी है तो हमें ऐसे स्टार का सदका या रेमेडी देनी है जिसकी एग्जालेसन जो है सेवेंथ हाउस में होती हो तो वो स्टार जो है वो सेटरन है तो इन शाह तजीज़ आप लोग इससे इस्त करेंगे खुदा हाफिस